हेलो फ्रेंड, हम आ गए हैं काकरिया लेक अहमदाबाद में और इस टॉय ट्रेन में बैठ के हम पूरी लेक का एक सर्कल लगाएंगे और इसकी प्रत्येक हेड का किराया है 30 रुपये, बच्चों का हाफ है। और इसमें जो भी जगह जहाँ पे अलग अलग ऑप्टिकल आए दिए गए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, इसमें कितने रुपए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आ गया है कि जू का ही गेट है, ये आउट गेट है और ये बच्चों का कुछ खेलने के लिए अंदर, छोटे बच्चों का मतलब जंप वगैरह खेलने के लिए है। ठीक है, ये है रस्सी बांध के बच्चों को उछालते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं इसका। और ये अगला गया हॉरर हाउस, इसमें भी 70 रुपये टिकट है इसमें और बहुत ही शानदार है। अब कभी आओ तो किसी को पसंद हो वो देख सकते हैं, मुझे तो मैं तो नहीं देख पाता इसको। और ये लेक है, इसके चारों तरफ ये फुटपाथ बनाया गया है और ट्रेन भी चारों तरफ है, ट्रेन की लाइन बिछी है इस टॉय ट्रेन की और ये बैठने की दीवार बनाई गई है, इस पर बैठ सकते हैं आप, शाम को एंजॉय कर सकते हैं। और सामने ये है वाटर शो, उसके अंदर वाटर शो होता है, लेजर शो भी बोलते हैं जिसको, 10-15 रुपये की उसकी टिकट होती है। और इस साइड ये जगह जगह पे होटल है, छोटे छोटे ब्रेकफास्ट के लिए होटल वगैरह रेस्टोरेंट, इनमें आप पिज्ज़ा वगैरह या कुछ और कुछ खा सकते हैं, आइसक्रीम भी बच्चों के लिए। ये इसमें बोटिंग भी होती है, वैसे बोटिंग का वो था। ये आ गया है मेन गेट जू का, तो ये जू भी बहुत बड़ा ही है, अच्छा है देखने में। और मेरा सजेशन तो ये है कि अभी भी आप तो टाइम निकाल के सुबह ही आ जाओगे अगर इसको पूरा देखना है तो। शाम को आओगे तो जल्दी जल्दी में आप पूरा भी नहीं देख पाओगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्टिकल हैं। एक सामने वो आ गया, बड़े झूले आ गए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो बहुत मतलब डरावने भी हैं, मतलब रोमांचक। और ये छोटे छोटे इसके साथ कई जगह जगह पे स्लाइडर वगैरह है। और ट्रेन टॉय ट्रेन भी धीरे धीरे चल रही है, अपना पूरा राउंड एक इसके बाहर से लगाएगी। ठीक है, और ये रात को ये चलती हैं ईगल की, सॉरी और ये बड़े झूले हैं ना उन वे आगे बाहर, उनमें 150 रुपये एक आदमी को लगते हैं। ये है अमरपाली फनलैंड, इसमें वो गाड़ियां भी हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं ना, चुम्बक से चलती हैं, मतलब एक दूसरे को टक्कर मारो वो भी इसमें। और स्लाइडिंग रोलर भी है, ट्रेन जो उस पर स्लाइडिंग करती है वो, और सारे अलग अलग हैं उसके अंदर भी। कोई एक मतलब उसको पूरा करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सभी को अगर आप देखना चाहो देखोगे तो आपको टाइम बहुत ही लग जाएगा, पूरा दिन नहीं लग सकता। एक ये नया और खुल गया, ये भी पता नहीं क्या, इसमें मैं गया नहीं हूँ, बच्चों का ये कुछ है ये, कभी मौका मिले तो आपको फिर वीडियो बना के दिखाएंगे। और ये इन गेट है, एक बहुत ही बड़ा है मेन गेट ये है इन, ये आगे आगे बटरफ्लाई पार्क है, ये ट्रेन खड़ी होती है उसमें सेट बनाया गया है ट्रेन का, टॉय ट्रेन का ही। इसके आगे हैं वो एडवेंचर के जो रस्सों पे चलते हैं बच्चे ना, वैसा ही है वो, धनुष का मारने का, गोली मारने का, वो भी है उसमें ऑप्टिकल इसमें, ऐसे भी धनुष से चला के आप, और वो सेगवे भी हैं जो चलते हैं। और ये आगे स्टोर ट्रेन की टनल आ गई है, और ये आगे आ गया है नाइट जू, तो ये भी पता नहीं इसमें क्या क्या है, मैं गया नहीं हूं अंदर, मतलब इसमें देखने के लिए बहुत सारी चीजें, आप मतलब पूरा दिन तो मुश्किल से ही देख पाते हो पूरे दिन में भी, ठीक है, जो शाम को आते हैं तो वो सारी चीज देख ही नहीं पाता है, बीच में जाना पड़ता है। और टनल के अंदर घुस गए हम, और इसमें वो जो पानी पे गुब्बारे होते हैं वो भी हैं, उन गुब्बारों के अंदर घुस के वो पानी पे तैरते रहते हैं, ऐसे भी हैं, बोटिंग भी होती है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ नहीं हो मेरे ख्याल से। लगभग ये भगवान जी का मंदिर आ गया, बहुत ही अच्छा मंदिर है बाबा बजरंगबली का। और ये हम पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा और बाकी है,
और इस ट्रेन में पूरा चक्कर लगा के आने में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि धीरे धीरे चलती है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, तो आप बैठ के आराम इंजॉय कर सकते हैं इसको। और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, देख कैसे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।